नमस्कार संगीत प्रेमियों, आज हम भारतीय संगीत उद्योग में सबसे बहुमुखी और प्रिय आवाजों में से एक अरिजीत सियोनक की मंत्रमुग्ध कर देने वाली दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने जा रहे हैं। अरिजीत सिंह का जन्म हुआ 25 अप्रैल 1987 को जियागंज मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल भारत में। वह छोटी उम्र से ही संगीत में डूबे हुए थे। संगीत के प्रति रुझान वाले परिवार में बड़े होने के बाद उन्होंने शास्त्रीय संगीत से गहरा संबंध विकसित किया जिसने उनके भविष्य को आकार दिया। अरिजीत के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ 2005 में रियलिटी शो फेम गुरुकुल में उनकी भागीदारी के साथ आया। हालांकि जीत उनसे दूर रही लेकिन उनकी असाधारण प्रतिभा पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसने संगीत उद्योग के केंद्र में उनकी यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, I welcome you to Mother's Grace Productions presents Arijit Singh live in concert. Okay, so we've told Arijit that you guys are not making enough noise. You guys need to make some noise so he'll come out. Arijit Singh ke liye mahatvapurna kshan 2013 mein film Aashiqui 2 feet ke tum hi ho ki bhavpurna prastuti ke saath aaya. Yah एक घटना थी जिसने अरिजीत को एक संगीत शक्ति के रूप में स्थापित किया और उन्हें लाखों लोगों के दिलों में एक स्थायी स्थान दिलाया। जो बात वास्तव में अरिजीत सिंह को अलग करती है वह है उनकी अद्वितीय बहुमुखी प्रतिभा। दिल दहला देने वाले रोमांटिक गीतों से लेकर हाई एनर्जी डांस नंबरों तक अरिजीत की आवाज सहजता से विभिन्न शैलियों में घूमती है जो उन्हें भावनाओं के स्पेक्ट्रम को उजागर करने में सक्षम एक उस्ताद साबित करती है। अरिजीत सिंह की डिस्कोग्राफी चार्ट टॉपिंग हिट्स का खजाना है। चन्ना मेरेया, राबता, अगर तुम साथ हो और दिल दिया गल्ला जैसे ट्रैक न केवल चार्ट पर हावी रहे हैं बल्कि कालातीत क्लासिक भी बन गए हैं जिससे उद्योग पर अरिजीत का स्थायी प्रभाव सुनिश्चित हो गया है। चन्ना मेरेया, मेरेया, चन्ना मेरे कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे की असाधारण दुनिया में हमारी लंबी यात्रा का समापन करता है। हमें उम्मीद है कि आपने इस खोज का आनंद लिया होगा उनके जीवन करियर और संगीत विरासत के बारे में। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक बटन दबाना, सब्सक्राइब करना और इस तरह की अधिक सामग्री के लिए अधिसूचना घंटी बजाना न भूलें। अगली बार तक संगीत को जीवित रखें।